बेगूसराय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घर में छापेमारी कर दो बदमाशों को एक राइफल, एक देसी पिस्तौल और 6 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल एसपी को सूचना मिली थी कि मटियानी थाना क्षेत्र के चित्रौर गांव निवासी दयानंद सिंह के घर में हथियार के साथ बदमाश किसी अपराध को अंजाम देने में जुटे हैं। इस सूचना पर डीएसपी के नेतृत्व में मोतिहारी थाना पुलिस ने चित्रौर गांव में छापेमारी की, जहां दयानंद सिंह के घर से रामदीरी गांव निवासी सौरभ कुमार और गुलशन कुमार को गिरफ्तार किया। सूचना मिली कि मटियानी थाना क्षेत्र के छितनौर के दयानंद सिंह के घर में गुलशन कुमार और सौरभ कुमार को हथियार के साथ देखा जा रहा है, तो पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एसडीपीओ सदर एवं एसएचओ मटियानी के नेतृत्व में एक टीम को भेजा गया सूचना के सत्यापन के लिए। तो दयानंद सिंह के घर से गुलशन कुमार और सौरभ कुमार एक हथियार के साथ मिला और उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक देसी राइफल, एक देसी कट्टा और 6 कारतूस बरामद हुआ है। गुलशन कुमार और सौरभ कुमार रामदीरी का रहने वाला है और उस पर ये मुफसिल थाना कांड संख्या 112/21 में फिरारी हुई है। इस संबंध में मठियानी थाना कांड संख्या 127/21 दर्ज किया गया है और आगे वो भी आर्म्स एक्ट का ही केस है। अपराध को अंजाम देना ही उद्देश्य था इसका, इसमें से कोई इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।